भूकंप के बाद बड़ी मात्रा में जहरीली धुंध जमीन से बाहर निकल रही है। लोग इस धुंध में सांस लेने से तुरंत मर रहे हैं। ये धुंध सड़कों के जरिए काफी तेजी से शहर में फैल रही है। हालात ये है कि सभी लोग इससे बचकर भाग रहे हैं। ये धुंध जल्द ही इमारतों में प्रवेश कर जाती है। मैथ्यू अपनी पत्नी को शहर के हालातों के बारे में बताता है और उस धुंध से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की ओर दौड़ता है और रस्ते में अपने पड़ोस के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिस अपार्टमेंट में एक ओल्ड कपल्स रहते हैं जिन्हें इस जहरीली धुंध के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये चारों जब बालकनी में आकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सड़कें धुंध से भर गई है। धुंध की सटीक जानकारी के लिए मैथ्यू बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि पूरा शहर घने धुंध से ढक चुका है। फिर मैथ्यू सीढ़ियों पर जाता है और धुंध को छूकर देखता है और सूंघने पर इसे इसमें से किसी प्रकार की गंध का एहसास नहीं होता। ये लोग यहां अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन इनकी बेटी दूसरी मंजिल पर फंसी हुई है, जो कि एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है जिसे जिंदा रहने के लिए एकदम साफ हवा की जरूरत होती है। इसलिए सारा सालों से एक सीलबंद कैप्सूल में रहती है। इस सीलबंद कैप्सूल का मेन काम हवा को फिल्टर करना है, क्योंकि अब शहर में बिजली नहीं है, तो इसलिए अब मैथ्यू को कैप्सूल की डाउन हो चुकी बैटरीज को बदलना होगा। लेकिन टॉप फ्लोर से दूसरी मंजिल तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, परंतु इतनी देर तक इनकी बेटी अपनी सांसों को नहीं रोक सकती।